भारत ने दिया बांग्लादेश को चेतावनी। बांग्लादेश में मचा हाहाकार, पेंडिंग पेमेंट को लेकर भारत हुआ बांग्लादेश पर गुस्सा, मजबूर हुए यूनुस। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को एक ऐसी धमकी की जिसने बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया और उसे वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। तो चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं आज के इस खास वीडियो में। कुछ दिन पहले भारत ने बांग्लादेश को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी पेंडिंग पेमेंट को नहीं चुकाया तो भारत सोवेरिजन गारंटी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा। अब ये गारंटी क्या है और क्यों इसने बांग्लादेश को डराया? दोस्तों, सोवेरिजन गारंटी का मतलब है कि भारत अपने दावों को पूरा करवाने के लिए बांग्लादेश की गारंटी को कड़ी कार्यवाही में बदल सकता है, और इसका असर इतना गहरा था कि बांग्लादेश ने तुरंत अपने कदम वापस खींच लिए। अब जैसा कि खबर में बताया गया है कि बांग्लादेश का पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे BPDB भी कहा जाता है, आखिरकार भारत की बकाया पेमेंट को चुकाने के प्रोसेस में लग गया है। जी हां, कल शाम की ही खबर है कि बांग्लादेश अब 5000 करोड़ तक की पेमेंट करने जा रहा है। लेकिन रुकिए, यह तो बस शुरुआत है। टोटल पेमेंट का आंकड़ा 88000 करोड़ तक पहुंचता है, जिसमें अदानी ग्रुप की भी पेमेंट शामिल है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश ये भारी रकम कैसे चुकाएगा, तो आइए इसका पूरा खेल समझते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की पावर कंपनी BPDB ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है। उन्होंने बॉन्ड्स इश्यू करने का फैसला किया है। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल भाषा में समझे तो उन्होंने बांग्लादेश के एक बैंक से कहा है कि वो बॉन्ड्स को पब्लिक में फ्लोट करें और जनता से पैसा जुटाएं। बदले में पब्लिक को 8% ब्याज दिया जाएगा। यानी अगर आप 1,00,000 का बॉन्ड खरीदते हैं तो 10 साल में आपको 1,80,000 रुपए वापस मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक सामान्य बॉन्ड स्कीम नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। सरकार ने इस बॉन्ड्स के टेन्योर को सिर्फ 10 साल का रखा है ताकि जनता इसमें अधिक इंटरेस्ट दिखाए। सामान्यतया बॉन्ड्स 15 से 20 साल के लिए होते हैं, लेकिन यहां वक्त की नजाकत को समझते हुए इसे छोटा किया गया है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह प्लान बांग्लादेश को संकट से बाहर निकाल पाएगा? दरअसल यह कोई नया तरीका नहीं है। इससे पहले भी शेख हसीना की सरकार ने 2620 करोड़ टका के बंड्स इश्यू करवाए थे और तब उन्होंने भारत की कंपनी की पेंडिंग पेमेंट्स को सफलतापूर्वक क्लियर किया था। तो अब भी उम्मीद है कि यह तरीका काम कर जाएगा। लेकिन क्या यह वाकई बांग्लादेश को बचा पाएगा या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। अब बात करते हैं भारत के फायदे की। सबसे पहले भारत की कंपनियों, खास तौर पर अदानी ग्रुप की पेंडिंग पेमेंट जल्द ही चुकाई जा सकती है। अदानी ग्रुप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर $500 मिलियन की पेमेंट नहीं हुई तो वो अपने पावर प्लांट को बंद कर देंगे। और अब बांग्लादेश ने बंड्स के जरिए ये रकम जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है। सिर्फ अदानी ही नहीं, ऐसा ही SAIL, एनर्जी इंडिया और बाकी कंपनियों की भी पेमेंट्स अब क्लियर हो सकती हैं। लेकिन ये सब इतने सधे हुए कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? इसका कारण ये है कि पिछले महीने बांग्लादेश को भारत की ओर से लगातार चेतावनी मिल रही थी, पहले बैंक गारंटी की और फिर सोवेरिजन गारंटी की। जब बांग्लादेश को यह समझ आ गया कि भारत किसी भी हालत में अपनी रकम वापस लेकर रहेगा, तब जाकर उन्होंने इस बंड्स वाले रास्ते को अपनाया और अदानी ग्रुप ने भी एक बड़ी चाल चली। उन्होंने बिहार के एक सब स्टेशन के साथ अपने गोड्डा पावर प्लांट को लिंक कर दिया था। इसका सीधा मतलब था कि अगर बांग्लादेश पेमेंट नहीं करेगा तो बिजली बांग्लादेश को नहीं भेजी जाएगी, बल्कि बिहार की तरफ डाइवर्ट कर दी जाएगी। अब एक और बड़ा सवाल, भारत को इसका और क्या फायदा होगा? दोस्तों, यहां बात सिर्फ पेंडिंग पेमेंट्स तक सीमित नहीं है। भारत ने बांग्लादेश को लगभग $5 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है, जिसे ब्याज समेत वापस मिलना जरूरी है। अगर वो पैसा डूब जाता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तो क्या भारत को आगे और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे या फिर बांग्लादेश इस संकट से पूरी तरह उबर जाएगा? देखिए, अभी तक की स्थिति से साफ है कि बांग्लादेश भारत की चेतावनी को हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने पहले बैंक गारंटी की धमकी दी थी और जब बांग्लादेश ने इसे नजरअंदाज किया तब भारत ने सोवेरिजन गारंटी की धमकी दे दी है, और जैसा कि हमने देखा, बांग्लादेश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अभी तक अदानी ग्रुप ने जो किया वो एक संकेत था कि अगर बांग्लादेश पेंडिंग पेमेंट नहीं चुकाता तो
तो भारत अपनी बिजली सप्लाई रोक सकता है। अगर बांग्लादेश ने आगे भी पेमेंट्स में देरी की तो यह कदम भारत के लिए अगला बड़ा हथियार बन सकता है। बिजली की कमी से बांग्लादेश के उद्योग और घरेलू उपयोगकर्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा और यह उन्हें और भी दबाव में ला सकता है। भारत के पास एक और विकल्प है, बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक दबाव बनाना। अगर बांग्लादेश बार बार अपनी पेंडिंग पेमेंट्स में असफल रहता है तो भारत इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से दबाव बना सकता है। भारत ने बांग्लादेश को जो $5 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है वह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी मदद थी। अगर भारत इस क्रेडिट लाइन को वापस लेने की धमकी देता है तो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए बांग्लादेश को तुरंत अपनी पेंडिंग पेमेंट्स चुकानी होंगी। सबसे खतरनाक कदम यह हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में कटौती की जाए। भारत और बांग्लादेश का व्यापारिक रिश्ता गहरा है और अगर भारत इसमें कोई बाधा डालता है तो इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कुछ संभावित धमकियां हैं जो भारत के पास अभी भी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बांग्लादेश समय पर अपनी पेमेंट चुकाता है या भारत को अपने और भी कड़े पत्ते खेलने पड़ेंगे। अब तक की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि बांग्लादेश पर भारी दबाव है। भारत की लगातार दी जा रही चेतावनियों के बाद बांग्लादेश ने बंड्स इशू करने जैसा बड़ा कदम उठाया है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश ने समझ लिया है कि इस मुद्दे को अब और टाला नहीं जा सकता। बांग्लादेश ने बंड्स के जरिए 5,000 करोड़ टका जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है, जो एक बड़ा कदम है। इससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश अपनी पेंडिंग पेमेंट चुकाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखें, कुल बकाया 88,000 करोड़ टका है, जिसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ तक का इंतजाम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत बड़ी रकम बाकी है और ये देखना होगा कि बांग्लादेश आगे भी इस पैमाने पर फंड्स जुटा पाता है या नहीं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो बांग्लादेश ने पहले भी बंड्स इशू करके पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर की थी। शेख हसीना की सरकार ने इसी तरह के बंड्स इशू करके भारत की कंपनियों की पेमेंट चुकाई थी। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी बांग्लादेश अपने इस फंडिंग मॉडल को कामयाबी से लागू कर पाएगा। हालांकि अभी भी खतरा बना हुआ है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उनका पावर सेक्टर भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कुल 42,000 करोड़ तक का कर्ज बांग्लादेश के पावर सेक्टर पर है, जिसमें 8,000 करोड़ तक की राशि भारत की कंपनियों को चुकानी है। ऐसे में अगर बांग्लादेश बंड्स के जरिए पर्याप्त पैसा जुटाने में असफल रहता है तो समस्या गहरी हो सकती है। अगर बांग्लादेश सही तरीके से बंड्स का पैसा जुटाता है और भारत को समय पर पेमेंट करता है तो स्थिति स्थिर हो सकती है। लेकिन अगर फंड्स जुटाने में देरी होती है या कुछ अनिश्चितताएं पैदा होती हैं तो भारत को और कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। अदानी ग्रुप और बाकी कंपनियों की पेंडिंग पेमेंट्स भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह किसी भी हाल में अपनी रकम वापस लेकर रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।